जब हर विषय के ऊपर जब मैं बात करता हूँ यहाँ, और मैं पांच आइटम लेता हूँ जो राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और वी विल सी एज टू व्हाट द चाइनीज थिंक ऑन दिस, उनका क्या नैरेटिव उनकी तरफ से ऑन दीज प्लेसेस वेयर दे यू नो बिल्ड देयर नैरेटिव. आई विल जस्ट गो ओवर इट. राइट, दिस इज द जल्दी फाई ऑन यू नो चाइनीज नैरेटिव्स. लुक, द फर्स्ट नैरेटिव ये बोलते हैं कि हम मिडिल किंगडम के हैं. क्या भाई, ये मिडिल किंगडम होता क्या है? मिडिल किंगडम मेरे तरफ से संस्कृत में अगर हम देखेंगे तो त्रिशंकु स्वर्ग है, ना ऊपर है ना नीचे है. राइट, तो ये मिडिल किंगडम है. और ये बोलते हैं कि गुड और इविल द वर्ल्ड इज डिवाइडेड ऑन चाइना. पर अगर आप ये आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे तो इसमें बड़ा क्लियर है कि वर्ल्ड शुड नॉट बी डिवाइडेड ऑन चाइना, वर्ल्ड शुड बी डिपेंडेंट ऑन चाइना ओनली. हेडिंग कुछ और है, आपको लुभाते हैं इसको पढ़ने के लिए और उसका कहानी अलग बेचते हैं. और जहां तक मिडिल किंगडम है, त्रिशंकु स्वर्ग है, ये मेरे को कोई डाउट ही नहीं है इसके बारे में. राइट, दूसरा नैरेटिव है चाइना का अटैक ताइवान एवरी डे एनी डे एंड कब्जा कर सकते हैं. पर बात यह है कि चाइना ताइवान स्ट्रेट है ना, जो इट्स फोर टाइम्स द इंग्लिश चैनल. ओके, इट विल बी द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मिलिट्री ऑपरेशन चाइना विल हैव टू अंडरटेक इन विच इट हैज नो एक्सपीरियंस एंड इट विल हैव ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ कैजुअलिटीज. विल चाइना बी रेडी टू टेक ऑल दोस कैजुअलिटीज? ताइवान ऑल्सो हैज अ पोटेंट मिलिट्री, दैट इज नेवर पोर्ट्रेड. ये पोर्ट्रेड होता है कि भाई हमारा मिलिट्री बहुत तगड़ा है, पर वो ही इज ऑल्सो गॉट द सेम अमाउंट ऑफ ही इज गॉट इनफ मिलिट्री टू डिफेंड हिज नेशन. इट इज अ हाई रिस्क ऑपरेशन विद नो गारंटी ऑफ रिजल्ट्स एंड ही कुड लूज ऑल्सो. ओके, व्हाट विल लॉस डू, लीड देम बैक टू टियांगसिया? तो ये सब ये कहानी है. राइट, कि किसी दिन ताइवान को ले लेंगे, ताइवान को लेना उतना आसान नहीं है. उसी तरीके से ये भी कहानी है कि किसी दिन आके चाइना इंडिया को अटैक करेगा, ऐसे भी नहीं हो सकता. ओके, एक और है कि चाइना का हब, सबको पता है कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक डेड ट्रैप है. राइट, उधार का फंदा है, सबको पता है. पर इन्होंने क्या किया, एक यूएस के थिंक टैंक को पैसा दिया होगा, उन्होंने रिपोर्ट जारी किया कि यह डेड ट्रैप नहीं है, यह खुद का ट्रैप है. और यू नो श्रीलंका का उधार यूएसए के साथ भी है, इंडिया के साथ भी है और चाइना के साथ भी है, अलग नहीं है. तो ऐसे कहानी बनाते हैं और ये कहानी जो है ना इनका नैरेटिव हो जाता है. तीसरा, ये बड़ा विचित्र है, ये जो 9-line है इट इज अ इमेजिनरी लाइन. और ये 9-line कभी था ही नहीं. और जब मतलब वो किसी जमाने में था और उसका कोई मतलब भी नहीं था. इन्होंने क्या बोला कि 9-line को मैरिटाइम बाउंड्री बना दिया, इनका खुद का मैरिटाइम बाउंड्री बना दिया. और उन्होंने इस बेसिस के ऊपर साउथ चाइना सी के ऊपर वो जितने आइलैंड्स थे उसके ऊपर कब्जा कर दिया और उसको एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया और उसको मिलिटराइज कर दिया भी. और पूरा साउथ चाइना सी के ऊपर हावी है आज का दिन. पर बात यह है कि इनके जो मैप्स हैं, बहुत मैप्स, ये जिस तरीके से चाइनीज कस्टम सीज थाउजेंड्स ऑफ मैप्स ओवर मिसिंग साउथ चाइना सी 9-line, ये एक्चुअली असली मैप है जिसमें 9-line नहीं था. चाइना के मैप्स में 9-line नहीं था. इन्होंने क्या किया, ये चाइना वालों ने पकड़ के इसको जला दिया. तो अभी सिर्फ वही मैप बचे हैं चाइना में जिसमें 9-line है. जो ओरिजिनल मैप्स है उन्होंने जला दिया, कहानी नया शुरू हो गया. तो ऐसे बनाते हैं ये. अच्छा, ये बड़ा विचित्र चीज है, 2020 में ये पहले ऊपर वाला है आर्टिकल, 2020 में चाइना क्लेम्ड विक्ट्री ओवर द कोरोना वायरस. उन दिनों में जी जिंग ने बोल दिया कि भाई हमारा देश ही अकेला देश है जिसने कोरोना वायरस को हरा दिया और कम्युनिस्ट सिस्टम ही सबसे बेहतरीन सिस्टम है कोरोना का हैंडल करने के लिए, ये जितने डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये यूजलेस है. राइट, उसके बाद हंसी की बात है ये कि 2023 में जब जीरो कोविड के बाद इन्होंने बहुत इनका घाटा हुआ है, तब भी ये बोलते हैं कि डिसाइसिव विक्ट्री ओवर पैंडेमिक इन एंडिंग जीरो कोविड पॉलिसी. मतलब ये कभी हारते नहीं है. हार तो कोरोना वायरस का हो सकता है, यूएसए का हो सकता है, इंडिया का हो सकता है और किसी का हो सकता है, पर इनका नहीं हो सकता. क्यों? ये टियांगसिया के हैं और मिडिल किंगडम के हैं, त्रिशंकु स्वर्ग के निवासी हैं ये. मैं यही बोलता हूँ इनको, जितना भी चाइना वाले को देखता हूँ मैं त्रिशंकु स्वर्ग